ये मैंने की अपनी अनलॉक। बाकी भाई ये नहीं बताया हमने यार, चाबी भी बनाई है। चाबी भी बनाई है भैया। ये देखिए भाई इसकी प्राइसिंग बताइए यार। ये भैया इस यूट्यूब पे भाई ये आपको कोई नहीं दिखाएगा जो तुम्हारा भाई दिखा रहा है। तो भाई ये भी चीज है ना, थोड़ी नोटिस किया करो कि कैसे कर रहे हैं वर्किंग, क्या कर रहे हैं। हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? गाजियाबाद में कौन सी जगह? गोविंदपुरम। भैया गोविंदपुरम से आए हैं दीपक। अब इसमें स्टीयरिंग देखिए भाई, देखिए बिल्कुल OEM अपना स्टीयरिंग व्हील है जो कि प्रॉपर्ली सब कुछ वर्किंग। आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा मीटर में शो नहीं हो रहा है। यार भाई कार्टी के 4 का क्या प्राइस ले रहे हो यार भैया? और कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर आपका लग जाता है अपना इस इवेंट का। आता हूँ इसकी लुक, तो ये जैसा देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक के अंदर अपना ये अपना यहाँ पे सारे इनर हैंडल क्रोम आ जाते हैं बिल्कुल OEM के अंदर। चाहे वो OEM की फुल फॉर्म होती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर MG की फुल फॉर्म होती है। सब चीज आपको अंदर स्कैनर वगैरह सब चीज। ये देखो भाई, चाहे तो अभी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। और आज हमारे पीछे जैसा भाई गाड़ी देख रहे हो बलिनो भाई, ये आई है बिल्कुल बेस मॉडल बलिनो, जिसको भाई आज हम कन्वर्ट कर रहे हैं टॉप मॉडल के अंदर। क्या क्या काम होने वाला है गाड़ी के अंदर बहुत सारे अपने दिखाएंगे, या तो विपुल भाई या दीपक भाई, जो भी भाई आने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, दिखाते भाई क्या क्या काम हो रहा है, शुरू करते हैं इस वीडियो, लेट्स गो। तो जैसा देख रहे हो तुम्हारा भाई फिर से पहुंच चुका ऑटो क्लासिक कार एसेसरीज, और यहाँ पर हमारे पास रहने वाले दीपक भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, कैसे हो भाई? बस बढ़िया। कैसे चल रहा है भाई काम? बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया भाई। तो जैसा देख रहे हो अपने बलिनो किंग विपुल भाई और दीपक भाई के पास फिर से एक देख रहे हो ब्रांड न्यू यूपी 16 का रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल। गाड़ी शोरूम से सीधा कहाँ पहुंची है? यहाँ पे अपनी दुकान पे ऑटो क्लासिक पर। तो भाई जैसा देख रहे हो यार, बताओ यार स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या काम कर रहे हो यार भैया? देखिए इस पर हम थोड़ा सा ना म्यूजिक पे कर रहे हैं, ठीक है। डैम्पिंग वैम्पिंग हो गया, लाइट वगैरह हो गया, ठीक है। स्टीरियो वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके MGB की तरफ बात करें, ठीक है, तो साइड मिरर ऑटो फोल्डिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। OEM वाले मेरे OEM ओरिजिनल, ठीक है, बिल्कुल RD की रिले के साथ, बहुत बढ़िया। आपको मैं वर्किंग दिखाऊंगा। डैम्पिंग में जैसे देख रहे हो डबल कर रहे हो सिंगल कर रहे हो? डबल लेयर कर रहे हैं भैया, बहुत प्यारा बहुत प्यारा भाई। ये देखो भाई कितने MM में रहने वाली है, ये रहेगी भैया प्रॉपर 2 MM में, बहुत बढ़िया भाई। 2 MM में अपनी प्रॉपरली डैम्पिंग रहने वाली है भाई। तो ब्रांड करेंगे वरना नहीं करेंगे भाई। बात करूं पर शीट का प्राइस क्या लगा रहे हो? 650 रुपए जी, बिल्कुल जेन्युइन मार्केट से अलग हटके प्राइस, बहुत बढ़िया भाई। बात करें भाई फ्लोरिंग सीट कवर मैटिंग वेटिंग का, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भैया फ्लोरिंग अभी इन्होंने रुकवा रखा है, सिस्टम वगैरह का फ्लोरिंग सीट कवर वगैरह रुकवा रखा है, ठीक है। इसमें भी एक AC चालू होने वाला है। ओहो, रेयर AC चालू होने वाला भाई, ये देखो OEM के अंदर बिल्कुल। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, ये भी आमेज लगेगा, AC चालू होगा, ठीक है। एक आपको ओरिजिनल स्टीयरिंग देखने को मिलेगा इसमें, टॉप मॉडल वाला, टॉप एंड मॉडल वाला। इसमें लगने से पहले हम अपने कस्टमर को दिखा देंगे, बिल्कुल दिखाएंगे बढ़िया भाई, जो चीज आपको भी दिखाएंगे ऑन वीडियो दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें भी आपको इनर जो छोटी मोटी एक्सेसरी, इनर हैंडल हो गया, ठीक है, गियर नॉब हो गया, ठीक है, एक रूफ लाइट हो गया, बहुत बढ़िया। MGP ओरिजिनल, ठीक है, बहुत सब बढ़िया। चीज इसमें आपका MGP ओरिजिनल रहेगा, बाकी तो हम इसमें सिस्टम लगा रहे हैं। हाँ, वो मिंडा का एंड्रॉइड लगा रहे हैं, मिंडा का लगा रहे हो, बहुत हाँ बढ़िया भाई। मिंडा तो अपना जाना माना ब्रांड है, मारुति की जान है, कार प्ले सिस्टम रहने वाला भाई, ऑटो क्लासिक की शान है, शान है। बहुत बढ़िया भाई। और इसमें प्राइमस का कंपोनेंट और एक्सेल कोएक्सेल लगाएंगे, बहुत बढ़िया। पीछे कोएक्सेल लगा रहे हो? पीछे कोएक्सेल, आगे कंपोनेंट लगा रहे, बहुत बढ़िया। गाड़ी K4 लगा रहे, एंबियंस लाइट, गाड़ी K4 रनिंग लाइट। K4 का प्राइस बता दो यार एक बार। K4 का भैया आपको प्राइस मैं दे दूंगा 7,000 रुपए, बहुत बढ़िया भाई। और भी कोई डिस्काउंट हो जाएगा? व्यूअर्स आते हैं तो कर देंगे, अगर चलो भाई करना यार जरूर, चैनल से कोई आएगा तो उसको कर देंगे डिस्काउंट, बहुत बढ़िया भाई। जैसा देख रहे हो सारा भाई ने यहाँ पे अभी काम बताया, अभी बेसिक काम स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तो एक बार अंदर चलते हैं, अपने MGB पे नजर लगा देते एक बार, चलो भाई। तो भाई देखो जैसा देख रहे हो दुकान अपनी ये ऑटो क्लासिक, और हम अंदर घुस चुके हैं। और भाई क्या है यार, मारुति जेना तो कुछ है मार्केट में लग रहा है, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ये बलिनो और ब्रिजा वाले भाइयों के लिए वरदान है। और भाई इस स्टीयरिंग की सबसे खास बात आप खुद बता दो क्या है? ये सिल्वर पट्टी देख लो और स्टीयरिंग रैप भाई, ये स्टीयरिंग ऐसा स्टीयरिंग है जिसमें आपको रैप कराने की जरूरत ही नहीं है भाई, लाइफ टाइम स्टीयरिंग है भाई ये। ये देखो भाई, वन टाइम भाई आपका पैसा जाएगा लेकिन मजा आ जाएगा भाई। प्राइसिंग बता दो यार इसकी। स्टीयरिंग लगा के दे देंगे भैया, अगर आपके चैनल के थ्रू को जाता तो 4,000 रुपए, मात्र 4,000 रुपए में।
बहुत सब चीज आपको अंदर स्कैनर वगैरह सब चीज, ये देखो भाई चाहे तो अभी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके देख लो भाई। बिल्कुल भाई, ये क्या रखा हुआ यार? ये होता भैया आम बेचने आपको। ये देखो भाई आम बहुत दिखाने वाले, बहुत बढ़िया भाई, खोलो भाई खोलो। तो भाई अपने दीपक भाई ने हमें कर दी अनबॉक्सिंग तगड़ी वाली। हाँ जी दिखाओ भाई, इसको रखते हैं भाई साइड में। बिल्कुल भाई OEM है ना, MGP में है ना? बिल्कुल OEM MGP भाई। लोगों OEM की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, MG की फुल फॉर्म होती है मारुति जेन्युइन पार्ट। तो भाई जैसा देख रहे हो भाई, ये है अपना OEM टॉप मॉडल वाला जो अपना आता है आर्मरेस्ट, जिसके अंदर भाई ये आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ से भाई आपके इस इवेंट्स के पाइप वगैरह जाते हैं, वो आज हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। एसी वर्किंग दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, जो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है ठीक है, कुछ जेन्युइन एक्सेसरीज देखिए आप। ये देखो भाई, इनको ऊपर उठाओ यार, दिखा दो ना वीडियो में। ये देखो भाई, ये इतना जेन्युइन रखा हुआ है, ठीक है भाई। ये अपने यहाँ पे सारे इनर हैंडल क्रोम आ जाते हैं बिल्कुल OEM के अंदर। चाहे तो भाई यहीं से स्क्रीनशॉट लेके देख लो आप, कहीं भी अपना वो कर सकते हो आप इसको बार बार स्कैन। ये देखो भाई बिल्कुल गियर नॉब पे भी भाई आपको OEM ही चीज मिलेगी, फालतू का कुछ रखा ही नहीं है। ये देखो भाई, ये अपना टॉप मॉडल वाला है जिसके अंदर भाई येलो आएगा या व्हाइट जलेगी। इसमें आता है येलो, लेकिन हम व्हाइट से इसको रिप्लेस कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, व्हाइट कर देंगे भाई यहाँ पे, इससे बढ़िया बात ही क्या है। तो भाई जैसा देख रहे हो भाई, यहाँ पे ले आए हैं कार्डी K4 भाई। अपना जैसा देख सकते हो K4 के अंदर भाई 64 स्मार्ट डाई कलर्स होते हैं, और भाई अलग अलग फ्लोटिंग वाले जो आजकल देख रहे हो वो सारा वर्किंग दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव वीडियो सारे मोड दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल भी मिल जाएंगे, बिल्कुल अलॉय मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो भाई एक बार अलॉय की पहले बताना पड़ेगा लेकिन। अच्छा एक दिन पहले अलॉय की क्या प्राइसिंग रहने वाली है? अलॉय भैया आपको आ जाएगा 36,000 रुपए के आसपास का खर्चा आ जाएगा। 3600 भाई, 36,000 में आपको बलिनो का मिल जाएगा भाई अपने पास अलॉय व्हील। तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो यहाँ पे भाई अपना ऑटो फोल्डिंग मिरर जो है ना OEM वाले वो हो रहे हैं अनबॉक्स। तो भाई दिखाते कुछ ऐसी पैकिंग आती है भाई, खोलो दीपक भाई। तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो कुछ मतलब एक बॉक्स में सिर्फ एक ही आता है, बहुत बढ़िया भाई। कपलर टू कपलर रहने वाला जो, हाँ जी हाँ जी भाई, बिल्कुल कपलर टू कपलर फिटिंग है भाई इसकी OEM के अंदर। एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ इसकी लुक। तो ये जैसा देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक के अंदर अपना रहने वाला है। साइड में आपको DRL इंडिकेटर मिल जाते हैं भाई, जो कि आपके प्रॉपरली हब के साथ अपने भाई कनेक्ट हो जाएंगे, प्रॉपरली वर्क करने वाले। तो एक बार भाई जैसा देखो, ये अपने आते हैं बेस मॉडल में, ये हम भाई टॉप मॉडल में डाल देंगे, जिसके अंदर भाई आपका ऑटो फोल्डिंग वाला फीचर भी अपना रहने वाला है, ठीक है भाई। लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा, ये कुछ इस तरीके का पाइप है, और ये भाई प्रॉपरली ऐसे फिट हो जाता है जैसा देख सकते हो, जिसकी वजह से भाई अपना रेयर एसी वर्किंग हो जाता है। यूट्यूब पे भाई ये आपको कोई नहीं दिखाएगा जो तुम्हारा भाई दिखा रहा है। तो भाई ये भी चीज़ है ना, थोड़ी नोटिस किया करो कि कैसे कर रहे हैं वर्किंग, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर MGP लगा भी रहे हैं या फिर आपको उल्लू बना रहे हैं, वो सारा ना अपना देखो वीडियो के अंदर। लोगों जैसा देख रहे हो भाई, अभी जो टाइम हो रहा है भाई 11:30 हो रही है, और यहाँ पे अपने कस्टमर भी खड़े हैं। बाकी ना यार अभी काम हो चुका है बिल्कुल कम्प्लीट, और यहाँ पर अपने दीपक भाई काम कम्प्लीट है, बिल्कुल गाड़ी रेडी। बिल्कुल चलो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, क्या हमने आज काम किया इसका? भैया इसके हमने जो अंदर काम किया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मिरर फोल्डिंग लगाया है, ठीक है। हाँ बाकी अगर आपकी किसी को रिक्वायरमेंट है, जैसे डोर वाइजर हो गया, ठीक है, जेन्युइन वाला, हैंडल क्रोम हो गया, ठीक है, साइड बीडिंग हो गया, ठीक है, लोअर गार्निश हो गया, ठीक है, जेन्युइन वाले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल फ्रंट से बात करें तो जैसे इसमें हेडलाइट में LED वगैरह लगवानी है, ठीक है, फॉग लाइट लगवाना है, हाँ फॉग लाइट लगवाना है विद बैच के साथ, ओके हाँ वो भी अपने पास अवेलेबल है। ग्रिल चेयर टॉप मॉडल वाला वो भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर अपना फ्रंट और रियर कैमरा वाला आता है। हाँ हाँ इसमें भैया ने काफी चीजें पहले से कंपनी से करवाई हुई थी, ओके, जैसे डोर वाइजर हो गया, हैंडल क्रोम हो गया, साइड बीटिंग हो गया, ये सारी भैया ने पहले से करवा रखा था, वही बताएंगे वीडियो के अंदर। हाँ ठीक है, एक हमने इसमें भैया डैम्पिंग करी है, ठीक है, म्यूजिक पे काम किया है, ठीक है, लाइटनिंग पे काम किया है, और छोटी मोटी जो MGP एक्सेसरीज होती है जैसे गियर नॉब हो गया, इनर हैंडल हो गया, स्टीयरिंग हो गया, आर्मरेस्ट हो गया, ऐसी वर्किंग के साथ वो आपने इसमें काम किया, काम किया हमने इसमें। तो बेसिकली अब अंदर चलने का टाइम है। हाँ एक बार पीछे बैक में जो कैमरा हमने प्लेस किया, एक हमने इसमें कैमरा प्लेस किया है, जैसा आप ये देख सकते हैं ये मूविंग कैमरा रहने वाला है। ये देखिए भाई अपना, हाँ ये वाला, ये मूविंग कैमरा रहने वाला है ब्लॉपंग का, ओके। हाँ कुछ बंदे बोलते हैं मेरे को यहाँ कैमरा लगवाना है, ठीक है, या बोलते हैं यहाँ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो विजन आता है वो केवल इतना आपको दिखा पाता है, ऊपर का दिखता है, यहाँ से इधर तक का दिखता है। अगर आप वहाँ लगाते तो पूरा 180 डिग्री आपको वाइड में मिल जाता है, वाइड में मिल जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर किसी को रिफ्लेक्टर वगैरह लगवाने शो के लिए, ठीक है, तो ये भी एक अपने पास फैसिलिटी है। बिल्कुल अगर आपको किसी को कोई भी अगर जैसे मड फ्लैप वगैरह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एसएसडी लगवानी है वो मिल जाएगी आपको बलिनो के लिए। बिल्कुल स्पॉइलर वगैरह लगवाना है, ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल है सारी भैया ने एसएसडी लगवा रखी है जैसे डोर वाइजर, हैंडल क्रोम, फ्रंट ग्रिल वगैरह भैया ने लगवा रखा था, जो हमने किया वही हम बताएंगे। बैग से बात करें, हमने एक पार्सल ट्रे लगाई है किसमें, ठीक है, हाँ गाड़ी एक बार अनलॉक करिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। भैया का जो भी सामान उतरा है वो भैया की डिक्की में है। ये देखो भाई सारा MGP नीचे रखा हुआ है, सारा ये देखिए
बिल्कुल जो जो निकला है गाड़ी से, ठीक है। बाकी जो सिस्टम वगैरह का था वो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं क्या है। ये अपना पार्सल ट्रे बेसिकली भाई देखो, बैच वगैरह सब कुछ है, बारकोड स्कैनर वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार चलते हैं, अब वक्त है अंदर जाने का। जो हमने मेन काम किया वो एक बार दिखा देते हैं। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो जैसा देख सकते हो, सबसे पहले जो मेन एडिंग ना गाड़ी के भाई, वो है अपनी कार्डी K4 एम्बिएंट लाइट। और यहाँ पे अपना जैसा देख रहे हो माइक्रोफोन आ जाता है। हाँ भाई, कार्डी K4 का क्या प्राइस ले रहे हो यार? भैया कार्डी K4 आपको हमने बताया था 7000 रुपए कॉस्ट कर। बिल्कुल बताया था। 6 पीस की एलईडी है, ठीक है। फिनिशिंग देखिए बहुत प्यारी। ये जो मजा है वो इसका है। हाँ जी हाँ जी, जैसा फ्लोटिंग है ना। अब ये देखिए डोर्स में देखिए, प्रॉपर फिट करते हैं, बढ़िया वाला, अच्छा भी लगता है देखने में और मजा भी आता है। बिल्कुल सही बात है। हमने जो इसमें काम किया भैया, एम्बिएंट लाइट लगाई है, ठीक है। सिस्टम लगाया जैसा आपको दिख रहा होगा, यूनो मिंडा का। ये देखिए भाई प्रॉपर्ली बैजिंग के साथ अपना रहने वाला, बिल्कुल एक्जेक्टली। एक हमने इसमें फ्रेम लगाया ग्लोसी वाला। अब इसमें स्टीयरिंग देखिए भाई, देखिए बिल्कुल OEM अपना स्टीयरिंग व्हील है, जो कि प्रॉपर्ली सब कुछ वर्किंग। आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा मीटर में शो नहीं हो रहा है कि एयरबैग वर्किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गियर नॉब लगाया भाई हमने इसमें, ये देखिए भाई टॉप मॉडल वाला गियर नॉब। इनर हैंडल लगाया, ये देखिए भाई, इसकी वजह से ना गाड़ी बिल्कुल हो चुकी है एकदम अपनी टॉप मॉडल वाली। बाकी हमने क्या इसमें आर्मरेस्ट लगाया भैया। हाँ जी हाँ जी, ये आपका MGP रहने वाला है। बिल्कुल भाई जैसा देख, जैसा देख सकते हैं स्लाइडिंग वाला। एक्जेक्टली AC वर्किंग है, ठीक है। चालू कराना किसी भाई को, आपने जब पहले दिखाया होगा पूरी डैशबोर्ड वगैरह सब खुला होता है, सब कुछ दिखा दिया आज। ये आपको AC वर्किंग देने वाला हूँ। पीछे आपको इसमें USB भी मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगा USB। थोड़ा कॉस्ट करता है, ठीक है, बाकी मिल जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, हमने इसमें ब्लॉकबस्टर की डैम्पिंग करी है भैया, डबल लेयर, ठीक है। हाँ बाकी इसमें बात करें तो हमने आगे इसमें एक ट्विटर सेसेज चेंज किया, जो आपकी गाड़ी को अच्छा खासा लुक दे देती है। लुक दे देता है भाई, क्योंकि ये बेस मॉडल में नहीं आता, नहीं आता। और अच्छा बनने लगाते हैं काट करके यहाँ पे, लेकिन बहुत अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है भाई। देखो प्रॉपर्ली अपना यहाँ पे वर्किंग है। हाँ बिल्कुल। इसमें आपको भैया प्राइमस के आगे कॉम्पोनेंट और पीछे कोएक्सल हमने लगाए हैं। अच्छा, मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में जब हो रहा था वो भी मैंने अपने भाई को दिखाया। आप ये देखिए, एक इसमें हमने रूफ लाइट लगाई है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैलोजन से अलावा व्हाइट एलईडी लगवाने की। किसी को भैया ने कहीं से कहीं तक एलईडी लगाई, ना हेडलाइट में, ना फॉग लाइट में, ना पीछे, इसलिए भैया ने बोला येलो रहने दो, येलो रहने दो। हाँ, बाकी एलईडी का भी ऑप्शन है अपने पास। सीट कवर आपको पता ही, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। इसके ऊपर तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मैट वगैरह चाहिए किसी को, GFX मैट हो गए, 70 मैट हो गए, वो सब अवेलेबल, सब चीज मिल जाएगा आपको। हाँ, लेकिन इसमें जो था वो मोटा मोटा जैसे बेसिक आइटम MGP हो गया, ठीक है, और एक सिस्टम पे हो गया। सिस्टम अगर आ रहे हैं तो एक बार मैं बैक कैमरा चेकआउट करा देता हूँ। जैसा देख सकते हो भाई, रात का व्यू है, बिल्कुल रात हो रही है पीछे, जैसा देखो बिल्कुल। और अपना अभी जो कैमरा है ना, बिल्कुल HD कैमरा रहने वाला है भैया। इसका एक बार रिस्पॉन्स चेक कराइए, ये देखिए भाई प्रॉपर्ली अपना भैया तक भी लैग नहीं है। हाँ जी, अगर आपको मिरर एडजस्टेबल का देखना है तो आप वहां से अपने, ये देखिए भाई, ये तो ऑलरेडी वर्किंग नहीं था इसके अंदर जो हमने किया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने भाई बटन पुश किया है तो भाई अपने मिरर ऑटो फोल्ड हो गया है। अब दोबारा से पुश करता हूँ तो मिरर ऑटो बाहर हो गया है, ऑटो एडजस्टेबल भी है भैया। RD के हमने इसमें रिल लगाई है, जो काम करेंगे जेन्युइन करेंगे, ठीक है। कोई भी कहीं से कहीं तक डुप्लीकेसी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप सिस्टम का आउटपुट सुनना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें डैम्पिंग करी है, ठीक है, आप विंडो ऊपर कर दो और बाहर का आपको कोई भी नॉइस अंदर आने वाला अंदर नहीं है, बिल्कुल सारी चीज प्रॉपर्ली वर्किंग रहने वाली है अपनी, है ना भाई? हाँ जी, ठीक है भाई। एक बार मैंने अपना गाना बजाया, नो कॉपीराइट, और आवाज कर देता हूँ भाई, पूरी करके दिखाता हूँ कि आवाज फट तो नहीं रही है। चेक करिए, चेक करिए, सिस्टम तो ऐसा बना देंगे भैया, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। ये देखो भाई, पूरी 40 आवाज कर दिया, सुनो अब आउटपुट। ये लीजिए भाई, गाना भी पोस्ट कर दिया, पूरा बजने भी दिया, क्योंकि हमारे कस्टमर हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि भाई टाइम भी देखो 11:36 हो गया है। हाँ जी भाई, तो बाकी ये सिस्टम वगैरह हो गया। बाकी यार ये सारी प्राइसिंग के ऊपर हमने प्रॉपर्ली एक वीडियो भी बनाई हुई है। बलिनो के तो भाई जैसा पता है, विपुल भाई और दीपक भाई अपने किंग है भाई, अपना जैसा देखो ऑटो क्लासिक आती रहती है बलिनो। हाँ जी, बाकी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर किसी को भी बेसिक बलिनो स्टार्टिंग रेंज करानी है, बिल्कुल छोटी मोटी एसेसरी लगवानी है, बिल्कुल बेस ला रहा है, कितने में हो जाएगा भैया? देखिए, अगर आप वो आपके ऊपर जैसे मिरर लगवाना है, आपको नहीं लगवाना है, आर्मरेस्ट तो लगवा लीजिए। अगर आपको AC चालू करवाना है, नहीं करवाना है, बेस टू टॉप होने वाला है, बिल्कुल। अगर आप मिरर भी लेते हैं, जैसे इस गाड़ी की बात करें हम,
तो इस गाड़ी में जो खर्चा है भैया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का भाई बेसिक जो है ना, बता के चलते। मिरर मिल गया आपको, आर्मरेस्ट वगैरह मिल गया, स्टीयरिंग वगैरह मिल गया, अच्छा खासा प्राइमस के कंपोनेंट, कोएक्सल मिल गए, कोएक्सल मिल गया, सिस्टम आपको मिंडा का, बाकी छोटी मोटी एक्सेसरी जो होती है जैसे इनर हैंडल हो गया, जो आपकी गाड़ी को एक लुक देती है, क्लास लुक देती है, क्लास लुक देती है, कोई अंदर से देख के नहीं बोलेगा भाई बेस मॉडल थी ये, बाकी कंपनी ने क्लाइमेट कंट्रोल दिया ये ऑटोमेटिक। हाँ जी, बाकी एक बार अपने कस्टमर बाहर खड़े हैं, उनसे एक बार रिव्यू ले लेते हैं कैसा काम हुआ है, बाकी एक बार ऑटो फोल्डिंग में आप लोगों को बाहर जाके चेकआउट कराता हूँ। ठीक है, ये देखिए भाई लोगों चाबी निकाल दी है, एक बार अपने दीपक भाई भी निकल जाएं और मैं आप लोगों एक बार चेकआउट करूँ। भैया बंद करिए थोड़ा सा। तो भाई ये देखिए मैंने की लॉक, तो ये देखो अपना ऑटो फोल्डिंग वर्किंग है, ये मैंने की अपनी अनलॉक। बाकी भाई ये नहीं बताया हमने यार, चाबी भी बनाई है, चाबी भी बनाई है भैया। ये देखिए भाई इसकी प्राइसिंग बताइए यार। ये भैया इस चाबी की कॉस्ट आती है 900 रुपए की, 900 रुपए के आसपास। ठीक है भाई, बाकी कर लेंगे। चलो भाई ठीक है, जैसे फ्लिप की होती है ठीक है, मिल जाएगा। बाकी इधर अपने कस्टमर खड़े, एक बार आप लोगों को कस्टमर से बात करा थे कैसा अपना राय लोग, जैसे देख रहे हो एक अपने ओनर वो खड़े हैं वहाँ पर और एक अपने ओनर, भैया कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भैया सबसे पहले बताओ कहाँ से आए आप? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, गाजियाबाद में कौन सी जगह? गोविंदपुरम। भैया गोविंदपुरम से आए हैं दीपक भाई जैसा, तो ये बताइए भाई थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है काम में, क्योंकि भैया पूरा काम बेस टू टॉप हुआ था और जो भी गया वही है, क्या थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 में से 7। 10 में से 7, बाकी 3 नंबर किस चीज के कटे आज? टाइम के। टाइम के, तो बेसिकली काम में कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, काम में कोई शिकायत नहीं। चलो भाई, बाकी मैं यही चाहता हूँ, देखो अपनी गाड़ी भी जा रही है, भैया भी बस रिव्यू देने के लिए खड़े थे, बस यही जानना चाहते 10 में 7 ही है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का इशू रहा है अपना दीपक भाई, टाइम थोड़ा सुधार दो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बाकी भैया थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। दीपक भाई यहाँ पे अपने कस्टमर भी जा रहे हैं, ठीक है, रिव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, 10 में 7 दिए यार, टाइम का करो, टाइम का तो देखो, अब टाइम का तो कौन उसको जल्दी करा सकता है, सही जल्दी कर देंगे, कोई कंप्लेंट आएगा कल दोबारा गाड़ी यहाँ आएगी, कल दोबारा गाड़ी आएगी, सही बात है। 3-4 घंटे पैक बुक करने के लिए बोलोगे कौन नहीं कर पाएगा, कौन कर पाएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, संतुष्टि वाला काम होगा, अगर टाइम देने के बाद काम नहीं समझ आ रहा तो हमारी गलती है, गलती है। हाँ बिल्कुल, अगर थोड़ा टाइम लग गया और काम अच्छा होगा तो मेरे को लगता है इससे ऊपर की कोई बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ जी भैया, तो बाकी अपने कस्टमर भी जैसा देख रहे हो भाई, गाड़ी अपने एंड टू एंड बिल्कुल लाइव गाड़ी में जा रही है, वीडियो में जा रही है, तो बाकी एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए भैया। हमारी शॉप पड़ती है करोल बाग में, ऑटो क्लासिक के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप गफार की तरफ उतरते हैं मेन हनुमान मंदिर से, ठीक है, तो आपको तीसरे कट के सामने आपको हमारी शॉप का बोर्ड दिख जाएगा, धनलक्ष्मी का, धनलक्ष्मी के सामने नियर बाय लोकेशन सैमसंग मिल जाएगा भैया आपको इस जगह पे, और बीकानेर वाला काफी करीबी लैंडमार्क रहने वाला, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी एक बार अपना मोबाइल नंबर बता भैया। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7678-68-7763, ठीक है। हाँ जी भैया, बाकी भाई आज की वीडियो के लिए सारा कुछ इतना ही रहेगा भाई, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के, थोड़ा सा प्यार दे दो, बाकी बलिनों को भाई थोड़ा रिस्पांस दो, बाकी थैंक यू सो मच भाई मोस्ट। तो भाई लोगों एंड में ही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी भाई इंस्टाग्राम भी सेम हैंडल से ऋषभ ब्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।